बीच में मत टोकिया करे, टोकना नहीं है बीच में, पहले पूरी बात सुनो फिर क्वेश्चन करो, फिर आप कहते हो कि ये नहीं करा आपने वो नहीं किया। बताइए क्या काम किया, 18-18 घंटे काम करके क्या काम किया बताओ मेरे को आप। ये काम किया कि ERCP की योजना रद्द करी, ये काम किया कि गैस के दाम बढ़ाए, ये काम किया कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, ये काम किया आप बताइए क्या काम किया 18-18 घंटे उठ के। विदेशों में डंका बज रहा है भारत का, विदेशों में बजने से क्या होगा, जब भारत अपने देश में ही जब उनकी इज्जत नहीं कर रहा कोई, अपने देश में ही उनको इतने बढ़ा दिए चीजें। क्या चीज़? पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि इंडिया की तरफ आंख उठा करके देख ले, आप कह रहे क्या काम किया है? अब देखो आप भेदभाव मत करिए पाकिस्तान इंडिया में, पाकिस्तान इंडिया एक ही चीज है। एक कैसे है, देश अलग है, देश अलग है तो क्या हो गया, बंदे तो एक है ना। कैसे पीएम मोदी है क्या बात है? तो वैसे तो राहुल और मोदी भी वो भी इंसान ही है, बंदे तो एक ही है। क्या आप नहीं समझे? मैं समझ गया। मोदी जी और राहुल गांधी, देखिए जब बंटवारा हुआ था तो भारत के भी गए थे पाकिस्तान, तो भारत के भी बहुत लोग हैं। आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखा दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए आप, चलिए जिसको देखना है। समर्थन है आपका? समर्थन है पाकिस्तान कहाँ से आ गया, जो अभी मुद्दा चल रहा है आप उस पर बात करिए ना। ये भी देश का बहुत बड़ा मुद्दा है ना कि कश्मीर पे हमला होना, हमारे जवान मारा जाना, शहीद होना, उधर से गोली चलना, तो ये भी एक मुद्दा है। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना मोदी जी की, वहाँ पे वो अच्छे से संभाले उसको। अच्छा क्या लगता है कि 2024 को लेकर के जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुटता दिखा रही हैं, तो बीजेपी के लिए कितना बड़ा खतरा साबित होगा? बीजेपी की कुर्ती हिलती हुई दिख रही है 24 में। देखिए अगर इन्होंने जो मेन चीजें हैं उन पे ध्यान नहीं दिया तो फिर ये इनको अपनी गद्दी वापस करनी पड़ेगी, अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो। अमित शाह कह रहे हैं कि 20-30 साल जो है कहीं भाजपा की कुर्सी घिसकने वाली नहीं है। वो पता लगता है, सब यही कहते हैं, ये किसान आंदोलन में भी कह रहे थे, तो इनको बताया ना किसान आंदोलन का, ERCP का भी बता देंगे, और वो अगर इन्होंने नहीं सुनी हमारी तो फिर हम ये गद्दी वापस देंगे। एमएसपी पर किसानों को गारंटी कानून नहीं दिया जा रहा है, लड़ेंगे उसकी लड़ाई, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? तो इन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम कर देंगे, आप जाइए प्लीज। राकेश जी कह रहे हैं ट्रैक्टर तैयार है। बिल्कुल तैयार है, तैयार है 24 से पहले लखीमपुर में तो लगा दिया है। फिर वही लखीमपुर के बोला था उन्होंने सांसद ने कि दो कौड़ी कहे राकेश जी के। देखिए कहने से कुछ नहीं होता, जब पता लगेगा। उनके बेटे ने किसानों पे गाड़ी चढ़ाई उनके, तो ये उन्होंने जुल्म किया, उनका बेटा जेल में है, और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो और 2024 में बता देंगे। अच्छा प्रधानमंत्री मोदी पर कितना भरोसा करते हैं आप? करते हैं भरोसा, कितना करते हैं भरोसा? किया तभी तो MSP के लिए हम चले गए। फिर भरोसा रखी है अभी? कैसे रखें? क्यों कह रहे हैं कि हम 24 में कुर्सी हिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे? इसलिए हिला देंगे क्योंकि इन्होंने 24 तक अगर नहीं किया, आप पूरी बात तो सुन लिया करो। आप ही की तो सुन रहे हैं। मैंने कहा है कि अगर इन्होंने 2024 तक नहीं किया, हमारी बातें नहीं सुनी, तो फिर गद्दी वापस देनी पड़ेगी। देश हित में किस तरीके से है अभी बताया ना मैंने आपको, आप बताइए मेरे को किस तरीके से है देश हित में? आर्थिक मजबूती हो रही है, देश का विकास हो रहा है, विश्व में नाम हो रहा है। विकास बताइए क्या हो रहा है, आप मेरे को बताइए विकास क्या हो रहा है? एक्सप्रेस वे से क्या होता है, पेट्रोल डीजल गैस के दाम इतने बढ़ रहे हैं, वहाँ पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में नहर नहीं दी जा रही, अगर वो नहर परियोजना आती है तो अगर किसी आज किसान को 1 लीटर पानी मिल रहा है, तो अगर वो नहर परियोजना आती है तो 2 लीटर मिलेगा, 3 लीटर मिलेगा। पता लग जाएगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। देखिए सर्वे से कुछ नहीं होता, नहीं मानते, वोट की चोट कभी भी बदल सकती है, वोट की चोट करनी चाहिए बस। यूपी इलेक्शन में भी आप लोग यही कह रहे थे आप? हाँ तो यूपी इलेक्शन में उन्होंने कानून वापस ले लिए ना, अब MSP के बारे में नहीं कर रहे, तो आप लोगों ने होने वाला है आंदोलन शुरू। आप लोगों ने सपोर्ट किया था मोदी का, बीजेपी का? मोदी जी का प्रधानमंत्री है वो देश के अब, और पहली बात वो किसान आंदोलन था वो, और वो मोदी जी के खिलाफ नहीं था, वो उन 3 काले कानूनों के खिलाफ था।
प्रधानमंत्री सही काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, कई काम ठीक कर रहे हैं। जैसे? जैसे स्वच्छ भारत अभियान बहुत अच्छा है, पर अभी थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, उसको चालू करना चाहिए। हमारी मांगे ये हैं, ERCP लागू करो और MSP पर गारंटी दो और लखीमपुर खीरी की घटना पे हमें न्याय दो। लखीमपुर वाले में तो कहते हैं, इसके लिए तो किसान लड़ रहे हैं, आप बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई कीजिए। अरे फिर आ गए वही बात, एक सवाल आपका बार बार आता है। अब मैं बता दूं आपको कि पढ़ाई भी तो कर रहा हूं मैं, जब छुट्टी होगी तो आ रहा हूं ना। छुट्टी के टाइम में पॉलिटिक्स करेंगे? पॉलिटिक्स क्या है, जो बंदा वोट डाल रहा है वो पॉलिटिक्स में, आपको इतना नहीं पता क्या? डालते हैं? वोट नहीं डालता मैं, पर मैं एक पार्टी को, मतलब मैं अपनी विचारधारा रखता हूँ, मैं अपने हकों के लिए लड़ता हूँ। तो हक के लिए लड़ने के लिए आपके फैमिली में होंगे, आपके पापा हैं? हाँ, वो लड़ रहे हैं। तो अगर मेरे को इंटरेस्ट है, मैं चाहता हूँ तो मैं लड़ूंगा ना, मैं अपने किसान भाइयों के लिए लड़ूंगा। नेता बनना चाहते हैं? नेता तो देखिए वो फ्यूचर में आपको पता ही है, नेता बनना है कि नहीं बनना है। पहले अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आप क्या सोचते हो? आज क्या है आपका? आज आइए किसी दिन टेस्ट लेने, पता लग जाएगा कितनी पढ़ाई कर रहा हूँ। टेस्ट लेगा, आप नंबर दे के जाइएगा। हाँ ठीक है, जरूर। टारगेट क्या है, प्रधानमंत्री का विरोध करना या पढ़ाई लिखाई करना? देखिए पहली बात तो हम किसी एक पर्टिकुलर बंदे का विरोध नहीं करते, जो गलत काम करेगा उसका हम विरोध करेंगे, और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं। अगर जब कोई गलत बात, गलत चीज करेगा, गलत कदम उठाएगा तो उसका विरोध तो हो। लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी गलत काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? कितनी बार बताएं? रोजगार दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, लोगों को राशन मिल रहा है, और पर पानी नहीं मिल रहा है। पानी भी मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है, चलो आपको दिखा के लाऊं। पानी का काम का दिल्ली में नल पहुंच गया, कह रहा पानी नहीं मिल रहा, कहाँ पानी नहीं मिल रहा? राजस्थान में चलिए पूर्वी। अरे तो इनकी योजना थी वो इन्होंने रद्द क्यों करी? इनकी योजना इन्होंने बनाई थी तो इनको अभी राष्ट्रीय परियोजना ये बना सकते थे, पर इन्होंने रद्द कर दी वो, और ये चाहे तो उसको लागू करके उसको राष्ट्रीय परियोजना बना के उसको चालू करवा सकते हैं। अभी गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने हैं, भाजपा की स्थिति कैसी वहाँ पर है? गुजरात मॉडल चलेगा इस बार? देखिए हिमाचल के बारे में अभी मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इसलिए मैं कमेंट नहीं दूंगा। गुजरात के बारे में भी नहीं है। अच्छा, ये तीन जोड़ी है, अमित शाह, योगी और मोदी, इनकी जोड़ी ऐसी है कि कहीं पे भी स्टेट में जो है इनको हराना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग इनके ऊपर भरोसा करते हैं। ऐसे ही कई लोग थे, हम नाम नहीं लूंगा मैं, वो कहते थे ये मोदी जी हैं, ये काले कानून वापस नहीं लेंगे, ये जो कह देते हैं ना वो फिर वापस नहीं करते, करवा लिए ना कानून वापस। ऐसे ही सब पलट जाता है, सब पलट जाता है। कह रहा हूँ ना, आंदोलन शुरू होगा, टेंशन मत लीजिए। ये आएगी सरकार, ये आएगी ही इस शर्त पे, बात सुनिए पहले, बीच में मत टोकिया करे, टोकना नहीं है बीच में, पहले पूरी बात सुनो फिर क्वेश्चन करो। फिर आप कहते हो कि ये नहीं करा आपने, वो नहीं किया, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आएंगे ही शर्त पे कि MSP की गारंटी दोगे, ERCP लागू तो अभी करवा लेंगे, बस थोड़ा टाइम ही रह गया, होने वाली है।